आदर्श पुरुषोत्तम श्रीराम के अयोध्या में उद्घाटित व निर्मित होने जा रहे भव्य मंदिर का संपूर्ण जनमानस में हर्ष व्याप्त है। श्रद्धालुओं में बहुत ही खुशी की लहर देखी जा रही है। आज हम जनपद औरैया के ग्राम जीवा सिरसानी आए हैं। यहाँ एक ये ऐतिहासिक पावन स्थल है जेवी खेरे पर स्थित ये मंदिर। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, वैसे यहाँ अखंड रामायण का आयोजन चल रहा है। भव्य श्री मंदिर श्री राम मंदिर की स्थापना के उपलक्ष में यहाँ अखंड रामायण का आयोजन हो रहा है। यहाँ संत समाज उपस्थित है। भगवान श्री राम के अयोध्या में ये निर्मित होने और उद्घाटित होने जा रहे भव्य मंदिर को लेकर संतों में बेहद खुशी है। आइए हम आज इस संबंध में यहाँ संत समुदाय से मंदिर की स्थापना और उद्घाटन के संबंध में बात करते हैं। महाराज जी, आप सीताराम, आपका क्या नाम महाराज? शिवस्वरूप ब्रह्मचारी। अच्छा, शिवस्वरूप ब्रह्मचारी जी हैं। और ये आप बताएं, जो अयोध्या में भव्य मंदिर की स्थापना हुई है और उसका ये शुभारंभ होने जा रहा है, तो इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? इस संबंध में यही है कि जो है बहुत अच्छी बात है, जो कि वर्षों से पड़े हुए जो है इस समय में जो है अब उनकी वो खुली है, जब उनका आगमन हो रहा है राम का। बहुत प्यार करने के बाद हाँ भगवान ने आपका हुआ है, बहुत अच्छा प्रसन्नता का विषय है। आपका नाम क्या है? हरिनारायण तिवारी। हरिनारायण कहाँ के निवासी? पुरवाबले। पुरवाबले के निवासी हैं ये, और इनमें अपार श्रद्धा और भक्ति ये राम की दिखाई पड़ रही है। भव्य मंदिर के निर्माण से इनमें बेहद हर्ष देखा जा रहा है। हाँ, क्या आप इस संबंध में कह रहे हैं? मतलब बड़ा हर्ष का समय है, बहुत संघर्ष करने के बाद भगवान आगमन हुआ है, तो बड़ा हर्ष उल्लास की बात है, अच्छी बात है। दादा, आपका नाम? राम। जय श्री राम। अच्छा अच्छा, आप कहाँ के निवासी? नारायणपुर के हैं। जो भव्य मंदिर की स्थापना हो रही है, क्या आप कहना चाहेंगे? अरे बड़ी खुशी है, उनका जो है बन रहा, निर्माण हो गया है, स्थापना हो रही, बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छा। दादा महाराज जी, आप भी कुछ कहना चाहें? क्या नाम आपका? क्या नाम? अच्छा अच्छा, कम सुनाई पड़ता। अच्छा, ये अयोध्या में जो मंदिर बन रहा है, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? कल है। तो बहरहाल इन सब में जो भी संत समाज है, खुशी की लहर दिखाई पड़ रही है। हमारा कहना है जी कि जो लोग इंतजार कर रहे हैं, भगवान सदबुद्धि दे जी, वो भी आए। हाँ, महान प्रसाद का जो इस भव्य मंदिर के निर्माण और उद्घाटन में जो नकारात्मक सोच रखते हैं, उनके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत अच्छा। अच्छा, आप ये हैं रमेश चंद जी, जीवा सिरसानी के ये बाबा जी हैं। क्या आपका कहना है भव्य मंदिर के जो अयोध्या में ये उद्घाटन और ये निर्माण के संबंध में? ये दीपक जो मोदी बाबा, योगी बाबा ने बताए हैं कि अयोध्या में दीपक जलाएं, तो मैंने भी कुछ बना के रख लिए हैं, थोड़े बहुत, ज़्यादा तो नहीं बना पाए हैं मौसम के विरह में, लेकिन मैंने कुछ बना रखे हैं कुछ भक्तों के लाज रखने के लिए, चाहे उनको भले ही कितने में ही मिले, लेकिन उनको चीज मिलेगी थोड़ी थोड़ी। बहुत अच्छा, सभी को मिलेगी, और हमको खुशी और सभी को खुशी दिखा रही है धरती पर कि जो ऐसा ये निर्माण हो रहा है, ऐसे कार्यकाल में, जाड़े में, सब बहुत ही आनंद आ रहे हैं। बहुत अच्छा। अयोध्या में जो भगवान श्री राम का जो ये मंदिर की स्थापना हो रही है, पूर्ण संपूर्ण हम समझते हैं विश्व के अनुयायियों में बेहद खुशी का संचार हुआ है। ये आप देख रहे हैं, ये कितनी खुशी आपके चेहरे पर देखी जा रही है। भगवान और आदर्श पुरुषोत्तम श्री राम सबका कल्याण करें, और उनका जो भव्य मंदिर समस्त विश्व का कल्याण करे, मार्गदर्शन करे। मेरी इसी विनय के साथ आप सबसे ये अपेक्षा है कि भगवान श्री राम के पावन मंदिर की यो स्थापना से आप लोग प्रेरणा लेकर समाज और परिवार में जो भी यथासंभव
हाँ सत्कर्म और ये हाँ हाँ हित करें भगवान हाँ सबका यस बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका साथ स्वस्थ शुभेच्छु पत्रकार व वरिष्ठ साहित्यकार घनश्याम सिंह।